हेलो बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। द क्वेश्चन टेल्स जीएनआरएच दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्सोन। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस। ए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड ऑक्सीटोसिन। बी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच। सी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड एफएसएच। एंड डी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड रिलैक्सिन। सो हम यहाँ पे हमारा जो की कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट इज आर जी एन आर एच दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन। ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन होता है दैट इज सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया। अब जो हमारा हाइपोथैलेमस है इट विल रिलीज द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन एंड दिस हॉर्मोन विल ट्रेवल थ्रू द पोर्टल सिस्टम एंड देन आफ्टर दैट उस पोर्टल सिस्टम का नाम क्या है? हाइपोफिजियल, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू वो कहाँ पे पहुंचेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। और एंटीरियर पिट्यूटरी पे पहुंचने के बाद इट विल एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी। सो जी एन आर एच जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास एंड एंटीरियर पिट्यूटरी इन रेस्पॉन्स टू द जी एन आर एच एंटीरियर पिट्यूटरी विल रिलीज वॉट? एफ एस एच एंड एन एच, दीज टू हॉर्मोन्स इट विल रिलीज। अभी जो दो हॉर्मोन होते हैं दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन एंड एल एच, दीज आर वेरी हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन। इनकी रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है आई शुड से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स में जो एफ एस एच है इट इज वेरी हेल्पफुल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैच्यूरेशन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स। जो हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उनके मैच्यूरेशन में हेल्प करता है। वेर एज मैं अगर बात करता हूं मेल्स के अंदर तो एफ एस एच हाउ इट इज इंपॉर्टेंट इन द मेल्स, जो मेल्स के अंदर एफ एस एच है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। सिमिलरली जो मेरा एल एच है अगर मैं बात करता हूं फीमेल्स के अंदर, दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल जेंडर। फीमेल्स के अंदर जो एल एच है दैट हेल्प्स इन द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेल्स के अंदर जो हमारा एल एच होता है दैट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है मेल्स के अंदर उसके प्रोडक्शन के लिए एल एच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एल एच जो है ये लेडी सेल्स पे जाके वर्क करेगा सो दैट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ सके इन द मेल्स। तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द की कंसेप्ट दैट जी एन आर एच जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है वो रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एंड स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच। सो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा दैट विल बी बी। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थैंक यू।